क्या बीती होगी उस पिता के दिल पर जिसने अपने बेटे को कंधों पर उठाकर बड़ा किया और आज उन्हीं कंधों पर उसका जनाजा उठा। क्या बीती होगी उस माँ पर जिसने बेटे को पैदा किया और उसी बेटे को अपनी बूढ़ी आंखों से विदा किया। आज भरी जवानी में उठा सिद्धू मूसेवाले का जनाजा। सिद्धू मूसेवाले का अंतिम सफर कुछ ऐसा रहा था कि लाखों की गिनती में सिर्फ मानसा या पंजाब के लोग नहीं बल्कि विदेशों से भी उनके फैंस और परिजन उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। दृश्य बेहद भावुक था। सिद्धू मूसेवाले की आज अंतिम यात्रा के लिए उनके पिता सुबह करीब 8:30 बजे उनके डेड बॉडी को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे और उनके साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। हर कोई बेहद भावुक अवस्था में पाया गया। बेशक उनके पिता के लिए खुद को संभालना नामुमकिन था पर बेटे की आखिरी यात्रा तो संपन्न करनी ही थी। पर इस दौरान भी मूसेवाले के पिता अपने बेटे की मूछों को ताव देते नजर आए। जिनकी आंखों में बेटे का मातम तो था पर दिल में बेटे के लिए इतना गर्व था कि आखिरी यात्रा में भी बेटे की सरदारी ना झुकने दी। मूसेवाले की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। लोगों को उनके अंतिम दर्शन करवाने के लिए उन्हें उनके सपनों की हवेली ले जाया गया। उनके सपनों की वो बेहद खूबसूरत हवेली थी जो खुद उन्होंने अपनी पसंद से मानसा गांव के जीटी रोड पर बनवाई थी, जिस पर उन्होंने 2020 में गेम नामक गाना भी बनाया था। उस हवेली में उनके डेड बॉडी को रखा गया था। जहां एक तरफ उनके माँ पिता की हालत ऐसी थी कि उसे बयां करने के लिए खुद हमारी तिजोरी में शब्द कम पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी गिनती में जो उनके फैंस मौजूद थे उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। उनके फैंस तो चीखे मारने लग गए थे, कुछ फैंस तो दुखी मन से गुस्से में पंजाब सरकार को गालियाँ तक निकालने लग गए थे। लोग इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे कि मूसेवाला की अंतिम यात्रा में पहुंचे डीसी एसएसपी ने उनके घर वालों को उनका संस्कार खेतों में यानी कि खुले मैदान में करने के लिए कहा। और आखिरकार आ गया था वो समय जब दिल में पत्थर रखकर मूसेवाला के माँ पिता ने उनकी अंतिम यात्रा निकाली। एक ऐसी अंतिम यात्रा जो शायद कोई नहीं देखना चाहता था। मूसेवाला की अंतिम यात्रा उनके 5911 ट्रैक्टर पर निकाली गई जिसे वे बच्चों की तरह संभाल के रखते थे। उस 5911 में उनकी अंतिम यात्रा हुई। उस सिद्धू मूसेवाले की अंतिम यात्रा जो महज 28 वर्ष में इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गए। उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि उन्होंने महज 28 वर्ष में इस दुनिया से क्या कमाया था। क्या बीती होगी उस पिता के दिल पर जिसने अपने बेटे को कंधों पर उठाकर बड़ा किया और आज उन्हीं कंधों पर उसका जनाजा उठाया। क्या बीती होगी उस माँ पर जिसने बेटे को पैदा किया और बूढ़ी आँखों से आज उसे ही विदा किया।